नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। शुक्रवार संध्या शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय बंग परिषद द्वारा रामकथा चौक राजा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनेक लोगों ने शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके शौर्य और वीरता को नमन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा नेता अरुण मुखर्जी, सुनील यादव, सुंदर बसोया, बलराम चावला, विकास भाटिया, निहाल अग्रवाल व अन्य ने उपस्थित होकर भारत माता के वीर सपूत सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन किया। आपको बता दें कि बुधवार को तमिलनाडु में हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य सैन्यकर्मियों की मौत हो गई थी। ज्ञात हो कि सैन्य अधिकारियों के परिवार से संबंध रखने वाले जनरल रावत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। सीडीएस जनरल रावत के पिता और दादा भी सैन्य अधिकारी थे। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध सैन्य अधिकारियों में से एक जनरल बिपिन रावत ने पिछले साल जनवरी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदग्रहण किया था। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। रावत का जाना कितना बड़ा देश के लिए क्षति है? देश के लिए इससे बड़ी क्षति कुछ हो ही नहीं सकती। जिस बिपिन रावत जी के देहांत का जिस तरीके से हुआ, एक तो हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ, दूसरा बिपिन रावत जी के रहने से हमारे दुश्मन पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी आँख उठा के देखने से डरते थे। ऐसी स्थिति में बिपिन रावत जी का जाना भारत के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखदायक है। चारों तरफ इस घटना की जांच की मांग की जा रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है? जांच तो होगी और सरकार ने जांच के आदेश पहले ही दे दिए हैं और आज से जांच शुरू भी हो गया है। इस घटना किस रूप में? बड़े दुख का दिन है। श्रद्धेय हमारे चीफ जो हैं बिपिन रावत जी और उनके साथ में जो 12 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, और बड़े दुख की बात है। और हम सभी आज राजा पार्क युवा एकता मंडल बंग परिषद अरुण मुखर्जी, सुंदर जी के सभी के द्वारा आज हम श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है और हम अपने वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें जय हिंद कहते हैं। एक ऐसा वीर सपूत माँ भारती ने खो दिया है कि जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। उनकी सेवा को सभी देशवासी आज याद कर। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।